Hey all, it's your boy Btech commerce वाला and मैं गुरु का already facilitator program की playlist बना रहा हूँ जिसमें अभी तक हम लोगों ने ये 6 quest कर लिए हैं और ये 5 skill badge कर लिए हैं. आज हम लोग की छठा quest करेंगे. Indirectly बोला जाए तो आज हम लोग ये छठे quest की channel lab करेंगे. Quest और skill badge में सिर्फ यही difference होता है कि skill badge में सारी labs quest की होती है, बस last में channel lab होती है. तो आज हम लोग ये वाली चैनल ऐप करेंगे. चलो इस पर क्लिक करते हैं. मेरी क्वेश्चन कंप्लीट क्यों है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने पहले दिए थे, तो आप वो इंटरव्यू देख सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिएगा, उसमें अब तक की प्लेलिस्ट की सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं. अगर आपको लगे कोई कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं है या कोई कॉन्सेप्ट उतने सही समझ में नहीं आया तो आप मेरी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं. ठीक है, तो चलो यार इस लैब पर क्लिक करते हैं. तो पहले स्टार्ट लैब करते हैं, फिर मैं इस लैब के बारे में आपको समझा देता हूँ. ठीक है, तो चलो यार जब तक प्रोविजनिंग लैब रिसोर्सेज हो रही है तब तक इस लैब के बारे में देख लेते हैं. डेवऑप्स क्या होता है ये सब मैंने आपको पहले बताया पहले की क्वेश्चन में, वो आप जाकर देख सकते हैं अगर आपने ना देखा अभी तक तो. और ये ओवरव्यू है ये आप पढ़ लीजिएगा यार, और टॉपिक स्टेटमेंट में ये सब है ये भी हम लोग करेंगे. सो इस चैनल लैब का मेन क्राइटेरिया मैं आपको समझा देता हूँ. अगर आपने मेरे साथ फोर्थ क्वेश्चन की फोर्थ स्किल बैच की चैनल लैब करी होगी जो कि ये वाली थी, मैंने सारे पेजेस खोल के रखे हैं जिससे आपको समझा पाऊँ. इसके जब हम लोग सिक्स स्टेप में आए थे तो यहाँ पे हम लोगों ने पाइपलाइन बनाई थी जेंकिंस में डिप्लॉय करने के लिए अपने ऐप को. ठीक है, उसमें ये सब किया था. अगर आपने ये किया होगा तो आपको याद होगा ये. ठीक है, तो फर्क ये कि इसमें हम लोगों ने एक पाइपलाइन बनाई थी, मतलब एक पाइपलाइन थी और एक ही चीज डिप्लॉय करना था. अब जो ये वाली लैब है ये समझ लो इसका एक तरह से बाप है, मतलब इसमें क्या करना है, इसमें तीन चीज डिप्लॉय करना है, प्रोटेक्शन के लिए भी, डेवलपमेंट के लिए भी, कैनरी के लिए. ये तीन डिप्लॉयमेंट होंगी, उसमें पाइपलाइन बनानी थी, इसमें मल्टी ब्रांच पाइपलाइन बनानी होगी. ये मेन डिफरेंस है, ये मेन पहला टास्क जो आपको करना है और यही चीज ही है. पूरी लैब देखोगे तो समरी यही है कि आपको एक मल्टी ब्रांच पाइपलाइन बनानी है जिसमें आपको तीनों डेवलपमेंट प्रोडक्शन और कैनरी तीनों डिप्लॉय करने हैं अपने एप्लीकेशन में. ये मेन चीज है इस लैब की. ठीक है, ये वाली लैब करने के लिए मैंने गिटहब फाइल बना के रखी है, उसमें सब कुछ लिख के रखा है मैंने. तो पहले जब तक की प्रोविजनिंग लैब रिसोर्सेज हो रही तब तक मैं आपको समझा देता हूँ. पहले एक बार ओवरव्यू पूरा दे देता हूँ, उसके बाद जब मैं लैब करूंगा तो मैं सिर्फ लैब ही करूंगा क्योंकि फिर ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है. तो पहले समझा देता हूँ. देखो, सबसे पहले कॉन्फिगर जेंकिंस पाइपलाइन फॉर कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट टू क्यूबरनेटिस इंजन. जो हम लोगों ने फोर्थ को इसकी चैनल लैब में पाइपलाइन बनाई थी वैसे ही इसमें मल्टी ब्रांच पाइपलाइन बनानी है. उसके लिए कमांड मैंने ये लिख के रखे हैं. ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट टास्क है. ठीक है, और इतना ध्यान रखना जो कमांड साथ में है वो एक साथ रन करने हैं और जिनके बीच में स्पेस है वो अलग अलग रन करने हैं. ठीक है, तो ये फर्स्ट टास्क है यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ये पूरा फर्स्ट टास्क है. अब करना क्या समझो, हमने कहाँ कहाँ से कमांड लिए ये मैं आपको बताता हूँ. इसमें लिखा है कि जोन यूएस ईस्ट वन बी, इन्होंने कहा है कि रिसोर्सेज होनी चाहिए यूएस ईस्ट वन बी जोन में. ठीक है, तो ये इसके लिए यहाँ से लिखा. ठीक है, फिर हम लोगों ने ये सैंपल ऐप इन्होंने कहा है, ये भी फर्स्ट टास्क में ही इन्होंने कहा है कि ऐप है रिपोजिटरी, ये सैंपल ऐप, तो सैंपल ऐप मैंने क्लोन कर लिया. ठीक है, फिर हम लोगों ने क्लस्टर्स के क्रेडेंशियल्स लिए, इन्होंने कहा है कि क्लस्टर्स पहले से बना के दिया है इन लोगों ने, जेंकिंस सीडी नाम का, उसके क्रेडेंशियल्स मैंने ले लिए थे. क्लस्टर रोल बाइंडिंग करी और हेल्म रेपो एड स्टेबल, ये सब कहां से किए ये मैं आपको बताता हूँ. अगर आप ये कॉन्टिन्यूस डिलीवरी विद जेंकिंस में आएंगे, क्यूबरनेटिस क्वेस्ट की फोर्थ या फिफ्थ लैब थी ये, तो इसमें भी अगर आप नीचे देखेंगे तो हम लोगों ने हेल्म की मदद से ही सब कुछ डिप्लॉय किया था जेंकिंस का. और ये सब क्या होता है ये सब मैंने आपको बताया था. तो यार अगर याद हो तो बहुत से, अगर नहीं याद हो तो प्लीज इसको देख लेना, इसमें मैंने सब कुछ समझाया था. हेल्प रेपो अपडेट, हेल्प रेपो एड जेंकिंस और क्लस्टर की क्रेडेंशियल्स, ये सब कुछ यहीं से लिया है मैंने. ठीक है, और ये सब जितने ये कमांड है स्टार्टिंग का ये सब मैंने यहीं से लिया. अब ये जो कमांड है एक्सपोर्ट पॉड नेम यहाँ तक लास्ट इको तक, ये मेन यूज होता है पासवर्ड लेने के लिए जेंकिंस का. अगर आप पहले जुड़े हो तो आपको पता होगा ये, तो मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ से लिया है. ये जो लाइन है ये सेम वही है, ये जो इन्होंने दिया ना फोर्थ क्वेस्ट की चैनल ऐप में, ये सेम वही है पासवर्ड लेने के लिए. तो यहाँ तक हो गया. अब हम लोगों ने चेंज डायरेक्टरी किया सैंपल ऐप में, उसके बाद हम लोगों ने सर्विसेज और डिप्लॉयमेंट बनाना शुरू किया. ये कैसे शुरू किया, देखो, क्रिएट एनएस प्रोडक्शन, एनएस मतलब नेम स्पेस, फिर अप्लाई किया और ये किया. ठीक है, ये कहां से लिए ये भी मैं आपको बताता हूँ. जब हम लोग ऑर्केस्ट्रेटिंग द क्लाउड में आएंगे, ये भी फोर्थ क्वेस्ट की थर्ड लैब थी. ठीक है, इसमें जब हम लोग नीचे यहाँ पे आएंगे तो ये देखो, ये क्यूबरनेटिस क्रिएट एप डिप्लॉयमेंट फ्रंट एंड यामल की, फिर हेलो यामल की और ऑथ यामल की, इन सब की मैंने बना के दिखाई थी. तो ये सेम है, बस यहाँ पे क्रिएट था और मेरे वाले जो हम लोगों ने कमांड है उसमें अप्लाई है. तो ये यहाँ से लिया है कमांड. ठीक, उसके बाद हम लोग को जेंकिंस में काम करना पड़ेगा. उसके बाद ये कमांड सेम ही है, जब आप मल्टी ब्रांच पाइपलाइन बना देंगे तो आप रिपोजिटरी को पुश करेंगे रिमोटली, तो उसके लिए ये कमांड तो सेम ही है. ये हम लोगों ने उस चैनल ऐप में भी किया था. ठीक है, उसके बाद सेकंड टास्क क्या है ये भी देख लो यार. सो इसमें हम लोगों को जो उन्होंने ब्रांच बनाई है उसमें चेंजेस करके एक नया वर्जन बनाना है अपने एप्लीकेशन का. और चेंजेस क्या करने हैं, मेन डॉट गो फाइल को एडिट करना है और इसका वर्जन 1 होगा उसको 2 करना है और html.go फाइल को चेंज करके कार्ड ब्लू से ऑरेंज करना है. ठीक है,
तो यही मैंने पहले चेंजेस किए, उसके बाद ये git add jenkins फाइल से दोनों html.to और main.to को जोड़ दिया और फिर कमिट करके पुश कर दिया। ये सेकंड टास्क अपना हो गया। थर्ड टास्क क्या है, पुश ए कैनरी डिप्लॉयमेंट टू द प्रोडक्शन नेमस्पेस। अब कैनरी जो डिप्लॉयमेंट है इसको भी वहीं भेजना होगा जेंकिंस के प्रोडक्शन में। ठीक है, हम लोगों ने ये कमांड लिखे ये पूरा, ठीक है, इसमें देखो चेकआउट किया है कैनरी में, फिर पुश किया है ओरिजिन कैनरी को उसी में, और फिर ये एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट मतलब उन्होंने एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाया, और फिर गिट चेकआउट मास्टर और गिट पुश ओरिजिन मास्टर, पूरे चेंजेस हम लोगों ने पहले मास्टर में रखे फिर इसको पुश कर दिया उसी जेंकिंस की डिप्लॉयमेंट में। अभी मैं करूंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। और फोर्थ टास्क है, अभी मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद मर्ज द कैनरी ब्रांच विद मास्टर इन ऑर्डर टू ट्रिगर अ जेंकिंस बिल्ड। तो ये देखो यार, ये हम लोगों ने गिट मर्ज किया है कैनरी को मास्टर में और फिर पुश कर दिया है, और उससे पहले हम लोगों ने चेक कराया था कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, उसके लिए वाइल ट्रू ये वाला कमांड होता है, जब इसमें 111 आउटपुट आता रहे तो मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक है, तो ये मेन बेसिक चीज थी इस लैब की। अभी मैं करना शुरू करूंगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने सोचा पहले आपको थोड़ा बता दूं, ठीक है, यूजर नेम कॉपी करते हैं, ओपन गूगल कंसोल करते हैं, यहाँ पे यूजर नेम पेस्ट करता हूँ मैं, यहाँ से पासवर्ड कॉपी करते हैं, यहाँ पासवर्ड पेस्ट करता हूँ, इसको एक्सेप्ट कर लेना यार, इसको कंफर्म कर देना, और इसको आई एग्री पे क्लिक करके एग्री एंड कंटिन्यू कर देना। ठीक है, क्लाउड सेल को एक्टिवेट करना पड़ेगा, और जो दो बेसिक कमांड है क्लाउड सेल के, आई होप अब तक तो आपको रट गए होंगे, इसलिए मैं सीधा लिख दे रहा हूँ। जी क्लाउड ऑथरिस्ट, इससे आपको स्टूडेंट का यूजर नेम पता जाता है यूनिक इस लैब का, और दूसरा होता है जी क्लाउड कॉन्फिग लिस्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, इससे आपको इस लैब की यूनिक प्रोजेक्ट आईडी बदल जाती है जीसीपी की। ठीक है, अब हम लोगों को जेंकिंस डिप्लॉय करना है, तो उसके लिए बस सीधा यहाँ पे आना है, एक एक करके कॉपी करने लगना है। सबसे पहले हम लोग जोन सेट करेंगे, तो ये वाला कमांड कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, रन किया। ठीक है, तो ये पहला कमांड हो गया यार। अब दूसरा कमांड कॉपी करते हैं, क्लोन करते हैं सैम्पल ऐप रिपोजिटरी को, यहाँ कॉपी करके पेस्ट किया और ये रन किया। ठीक है, अब हम लोग को जो क्लस्टर इन लोगों ने बनाया है जेंकिंस सीडी, उसके क्रेडेंशियल्स लेने पड़ेंगे, तो वो कमांड कॉपी किया मैंने, पेस्ट किया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग क्लस्टर रोल बाइंडिंग करना है, ये कहाँ से लिया ये भी मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये कमांड हम लोगों ने लिया है कंटेनर डिलीवरी विद जेंकिंस वाली लैब से, ठीक है, फोर्थ क्वेस्ट की। तो इसको कमांड कॉपी किया, पेस्ट किया और ये हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। हम लोग को रेपो एड स्टेबल करना है, ये भी हम लोगों ने कंटीन्यूअस डिलीवरी जेंकिंस वाली लैब से लिया है, तो कमांड कॉपी किया, पेस्ट किया, आगे देखते हैं। तो हम लोग रेपो को अपडेट करेंगे, उसके लिए ये वाले कमांड को कॉपी किया, पेस्ट किया, रन किया। हम लोग यार हेल्प को इंस्टॉल करेंगे, उसके लिए कमांड को कॉपी किया, पेस्ट किया। अब हम लोग यार ये वाला कमांड रन करेंगे पासवर्ड लेने के लिए, ये मैंने आपको पहले बता दिया है, ये हम लोगों ने फोर्थ क्वेस्ट की चैनल ऐप से लिया है। अब ये कमांड यहाँ पे पेस्ट करेंगे, रन करेंगे। ठीक है, तो ये देखो ये जो आ गया, ये पासवर्ड आ गया हम लोगों को जेंकिंस में एंट्री लेने का। ठीक है, अब जब यहाँ तक यार पासवर्ड तक कर लेना, तो यहाँ पे क्लिक करना वेब प्रीव्यू में, और प्रीव्यू ऑन पोर्ट 8080 पर क्लिक कर देना, इससे जेंकिंस का पेज खुल जाएगा, तब तक आगे हम लोग काम करते रहते हैं। ठीक है, तो आगे क्या करना है यार, ये जितना कमांड है ये एक साथ हम कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो पहले हम लोगों ने सीडी किया है, फिर उन्होंने क्रिएट किया नेम स्पेस प्रोडक्शन को, फिर उन्होंने अप्लाई किया है प्रोडक्शन कैनरी और सर्विसेज के लिए। ठीक है, ये सारे कमांड मैंने कॉपी किए, यहाँ पेस्ट किए, और अब देखो यार जहाँ सीडी किया तो यहाँ स्लैश करके सैंपल ऐप आ गया। अब जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी चीज बन रही है, वो सैंपल ऐप में बन रही है। ठीक है, अब यार इससे पहले कि पासवर्ड हम लोगों का जरा दूर चला जाए, पहले पासवर्ड मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, एकदम सही से कॉपी करना, स्पेस मत आए, और जेंकिंस वाले पेज पे चलते हैं। यूजर नेम होगा एडमिन, और इसको पेस्ट कर दिया, साइन इन कर दिया। ठीक है, ये इतना हो गया। हम लोग के क्यूबिसिटल गेट एसवीसी लेना है, ये वाला कमांड को कॉपी करना पड़ेगा, ये दोनों कमांड को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे रन करेंगे। इसने सारे क्लस्टर हम लोग को दिखा दिए, और दूसरा कमांड जो था उसको भी कॉपी करके रन किया, इसने एप्लीकेशन की क्लस्टर आईपी दिखा दी हम लोगों को। ठीक है, इस वाले पेज पे हम लोग आ गए, इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन्स पर क्लिक कर दीजिएगा, और अब ये इंस्टॉल करेगा। ठीक है, तो यार ये भी कमांड रन कर लिए। अब हम लोग सारे चेंजेस करेंगे जेंकिंस में, जो काम करना है हम लोग को मल्टी ब्रांच पाइपलाइन बनानी है वो बनाएंगे, उसके बाद ये सारे कमांड रन करेंगे। जब ये हो जाएगा तो अपना फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो जाएगा, जेंकिंस में रेडी हो गया। स्टार्ट यूजिंग जेंकिंस पर क्लिक करते हैं। अगर आप पहले से चल रहे हैं तो आपको पता होगा, सबसे पहले हम लोग मैनेज जेंकिंस में जाते हैं, उसके बाद हम लोग मैनेज क्रेडेंशियल्स पर क्लिक करते हैं, उसके बाद हम लोग ग्लोबल पर क्लिक करते हैं, उसके बाद हम लोग एडिंग सब क्रेडेंशियल्स पर क्लिक करते हैं, उसके बाद हम लोग इस पर क्लिक करके गूगल सर्विस अकाउंट फॉर्म मेटा डेटा पर क्लिक करते हैं। ये आपकी प्रोजेक्ट नेम दिख गया, आपकी जीसीपी की आईडी की, अब ओके पर क्लिक करते हैं और ये बन गया ग्लोबल क्रेडेंशियल्स। ठीक है, अब हम लोग डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं, न्यू आइटम पर क्लिक करते हैं, और अपने ऐप का जो नेम होगा ये है फर्स्ट टास्क का सैंपल ऐप ही होगा, तो यार इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। और यार पिछली फोर्थ कैसी चैनल में हम लोगों ने पाइपलाइन बनाई थी, यहाँ हम लोग मल्टी ब्रांच पाइपलाइन बनाएंगे, इस पर क्लिक किया, ओके किया। हम लोग यार यहाँ पे आ गए, हम लोग को ऐड सोर्स पर क्लिक करना पड़ेगा, गिट पर क्लिक करना पड़ेगा। अब ये प्रोजेक्ट रिपोजिटरी मांग रहा है, ये कहाँ से मिलेगी ये मैं बताता हूँ कहाँ से मिलेगी। सबसे नीचे आना और यहाँ पे इन्होंने टिप दी है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने रिपोजिटरी का यूआरएल दिया है। फोर्थ क्वेश्चन चैनल में हम लोगों ने खुद से निकाला था ये, इन्होंने यहाँ पे खुद से दिया है, तो इसी का यूज़ कर लेते हैं यार। इसका मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया। अब ध्यान से जो प्रोजेक्ट आईडी है इसको यहाँ से रिप्लेस करो,
एकदम एग्जैक्टली उतना ही, और यहाँ पे आके प्रोजेक्ट आईडी को कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो, हो गया ठीक है। अब क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करो, सर्विस अकाउंट चूज करो, हो गया ठीक है। अब पीरियडिकली इफ नॉट अदरवाइज रन पे क्लिक करो, इंटरवल रख लो एक मिनट का, हो गया। अब अप्लाई पर क्लिक कर दो, सेव हो गया। अब सेव पर क्लिक कर दो, ये काम अपना हो गया। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है जब सारे जेंकिंस के काम कर लो तो ये वाले कमांड को कॉपी करके रन करो। पहले ये तीन को कॉपी करना है यार, क्योंकि ये दोनों जो बाद के स्टेप है इन दोनों में चेंजेस करने होंगे ठीक है। तो पहले इन तीनों को कॉपी कर लिया यार। अब देखो जब भी आप जेंकिंस से आते हैं तो जो भी वहाँ पे आप करके आए होते हैं, यहाँ पे ऐसे रैंडम चीजें लिखने लिख के आने लगती हैं कि कनेक्शन टाइम आउट हो गया ये सब। तो जब कुछ ऐसा लिख के आया तो CTRL प्लस सी दबाना, वापस आ जाओगे। अभी भी हो रहा है CTRL प्लस सी दबाओ, ये होता रहता है क्योंकि वहाँ पे काम चल रहा है ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब तुम आ जाना इस पेज पर आ गए तुम ठीक है, तो एक काम करना कि सैम्पल ऐप पर क्लिक करना ठीक है, क्योंकि मैंने ये पूरा काम कंप्लीट नहीं किया, पहले कंप्लीट कर दो ठीक है। अब यहाँ पे मास्टर पर क्लिक करना और अब इसको बनने दो। अब तुम मत छूना इसको थोड़ी देर तक, मैं बताऊंगा कब छूना है। अब यहाँ पे वापस आओ, जो कमांड हम लोगों ने तीन कॉपी किए थे स्टार्टिंग के, ये तीनों कमांड को मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया और इंटर कर दिया। मोड ओरिजिन ऑलरेडी एग्जिस्ट आ गया ठीक है, सही चल रहा है सब कुछ। अब यार ये वाले कमांड को कॉपी करो एक एक करके, इन दोनों में चेंजेस करने हैं इसलिए एक एक करके कॉपी करने पड़ेंगे। अभी देखो जो भी वहाँ काम चल रहा है उसके एरर यहाँ पे आ रहे होंगे, तो अगर तुम कमांड पेस्ट ना कर पाना तो कंट्रोल सी दबाते रहना ठीक है, थोड़ी देर आएंगे हल्के से जब तक वहाँ पे चेंजेस चल रहे हैं ठीक। अभी वाले कमांड कॉपी किया, यूजर ईमेल को हटाया यहाँ से, और वो कहाँ से मिलेगा अगर आप पहले से लैब में जुड़े हैं तो आपको पता होगा। तो उसके लिए यार यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और ये स्टूडेंट का जो यूजर नेम है इसको कॉपी करना पड़ेगा। यार यहाँ से कॉपी करो या यहाँ जाके ये कॉपी कर लो, बात एक ही है, मैंने वहाँ से कर लिया। तो पेस्ट किया, एंटर किया, अपना ईमेल सेट हो गया। और लोग यूजर नेम सेट करते हैं, उसको यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट किया, यूजर नेम हटाया, तो फिर यहाँ गया यार ये स्टूडेंट यूजर नेम है इसको कॉपी कर लेना। एक और चीज़ यार, अगर बहुत बार ऐसा होता है कि तुम जब यहाँ पे क्लिक करो तो तुम्हें ये स्टूडेंट का जो यूजर नेम है स्टूडेंट CD ये नहीं दिखता है, मतलब तुम्हारा कुछ अलग होगा पर ये नहीं दिखता है, तो उसमें क्या करना है, ये जो गूगल अकाउंट है इस पे क्लिक करना, दूसरा पेज खुलेगा उसमें दिख जाएगा ठीक है। ऐसा भी होता है, ये सारे एरर हैं जो मुझे आए हैं, तो मैं सोचता हूँ कि आपको ना आए अभी बताता चलूँ ठीक है। ठीक है ये हो गया यार। अब जो बाकी के तीन बचे हैं ये तीनों एक साथ कर लो, पहले ऐड करोगे फिर कमिट बताओगे, कमिट का मतलब मैंने अपनी इसी क्वेश्चन की लैब में बताया था यार, और उसके बाद पुश कर दोगे। तो तीनों कमांड को मैंने कॉपी करके पेस्ट किया और ये एवरीथिंग अप टू डेट आ गया ठीक है। और अपना फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो गया है, अब हम लोग अपना सेकंड टास्क करते हैं। सेकंड टास्क में क्या करना था, हम लोगों को चेंजेस करने थे, पर चेंजेस करने से पहले यार ये वाले कमांड को कॉपी करना, गेट चेकआउट बी न्यू फीचर को ठीक है, इसको यहाँ पे पेस्ट करना। अब हम लोग स्विफ्ट हो गए हैं नए ब्रांच में, हमेशा चेकआउट यूज़ किया जाता है तो वो दूसरी ब्रांच में शिफ्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है ठीक है। जिन्होंने सेकंड वाले टास्क में चेंजेस कहे हैं करने को, ये दोनों करते हैं चल के ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, main.go में जाना है और html.go में जाना है। तो ये कैसे जाएंगे ये मैं आपको बताता हूँ, ओपन एडिटर पर क्लिक करना और ओपन न्यू विंडो पर क्लिक करना, वापस यहाँ पर आना, ओपन टर्मिनल पर अभी फिर से कर लेना, मतलब बहुत बार ये चेंजेस चले जाते हैं जो आपने किए। अब यार यहाँ पर आ गए, अब जो दो मेन फाइल थी वो थी main.go और html.go। तो main.go पे हम लोग यहाँ पे आए, इस वर्जन को 1 से 2 करना है, तो इसको ऐसे हटाना, 2 करना, और आदत डाल लो सेव ऑल करने की, क्योंकि अगर कुछ भूल भी जाओगे कभी तब भी सब सेव ऑल से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब html.go पे जाते हैं, इसमें हम लोगों को क्या करना था, कार्ड ऑरेंज करना है ब्लू से ठीक है। तो हम लोग ब्लू वाला कार्ड को देखते हैं, दो जगह चेंजेस करने हैं, तो ये ऑरेंज लिख दिया और यहाँ पे आए, इसको भी रिप्लेस किया और ऑरेंज लिख दिया ठीक है। ये हो गया, फिर से फाइल में गए, फिर से सेव ऑल कर लिया, एक बार फिर से कर लो, हो गया ठीक है। अब फिर से भाई अपनी गिटहब फाइल पे जाते हैं और जो भी चेंजेस किए हैं वो सब ऐड करके मर्ज कर देते हैं या पुश कर देते हैं ठीक है। अब जो कमांड तीनों कॉपी किए वहाँ यहाँ पे पेस्ट करो और पुश रीजन कर दो न्यू फीचर को, जो न्यू फीचर नई ब्रांच थी उसको ठीक है। अब अपना सेकंड टास्क भी हो गया है, चलो हम लोग थर्ड टास्क में आ गए। थर्ड टास्क में क्या करना था हम लोगों, ये तीसरा टास्क के कमांड आपके लिए लिखे हैं, तो ये सारे कमांड मैंने कॉपी किए, यहाँ पे पेस्ट किए और ये रन करा दिए। मेन चीज़ यार इस पूरी लैब में ये ध्यान रखना कि जहाँ से मैंने CD सैम्पल ऐप किया है तो ये सारे चेंजेस CD सैम्पल ऐप में ही होने चाहिए, अगर CD सैम्पल ऐप में नहीं हुए तो फिर जेंकिंस में ये सो नहीं होंगे ठीक है। अब ये सारे कमांड आई थिंक रन हो चुके हैं, अपना थर्ड टास्क भी हो गया है, अब देखते हैं फोर्थ टास्क के लिए ठीक है। तो पहले हम लोगों को इम्पोर्टेंट वेरिएबल बनाना है और ये तीनों कमांड को हम लोग एक साथ रन कर सकते हैं। तो ठीक है यार ये तीनों कमांड को यहाँ रन कर दो। जो वाले कमांड, जो लास्ट वाला कमांड है वाइल ट्रू, इसमें अगर 1.0.0.0 आता रहे तो मतलब सब सही है, हाँ ठीक है ये आ रहा है मतलब सब सही है। और ये इन्फाइनेटली आता रहता है तो थोड़ी देर बाद कंट्रोल प्लस सी दबा देना ठीक है।
हम लोगों को क्यूबिसेटल गेट सर्विस करनी पड़ेगी प्रोडक्शन के लिए, तो ये कमांड को कॉपी करते हैं और इसको कंट्रोल सी से रोक देते हैं और यहाँ पे पेस्ट किया, रन किया, तो ये बन के आ गया, क्लस्टर आईपी भी आ गया, एक्सटर्नल आईपी भी आ गया, बहुत सही। अब हम लोगों को गेट मर्ज करना है गैनरी को, तो ये वाले कमांड को कॉपी करते हैं भाई, यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। अब ये एस्टिमेट डॉट को, मेन डॉट को, सारे इसके इंसर्शन डिलीशन हो गए, जो हम लोग चेंजेस किए वो दिख गए, ये पुश हो गई है, ठीक है। और इसको यहाँ पे रन कर दिया, लास्ट कमांड है ये अपना, और ये भी हो गया, ठीक है। अब यार जब सब कुछ हो जाए, ठीक है, अब यार यहाँ मास्टर में आना और यहाँ पे सैम्पल ऐप पे फिर से क्लिक करते हैं हम लोग। अब ये तीनों बनने लगे, अब कैसे समझ में आएगा ये समझो, इस पर क्लिक करोगे सक्सेस दिखा रहा है, मास्टर बन चुका है, ठीक। ये दोनों इन प्रोग्रेस, ये दोनों इन प्रोग्रेस, जब ये तीनों ब्लू हो जाए, ठीक है, कैसे होंगे, एक दो मिनट का वेट करना, उसके बाद ये पूरा ब्राउजर का पेज आप रिफ्रेश कर लीजिएगा, तीनों ब्लू हो जाए तब हम बताते हैं क्या करना है, ठीक है। तो अब यार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, अगर मैंने रिफ्रेश किया, आप देखो ये तीनों सक्सेस दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अब यार यहाँ पे आते हैं और चेक माय प्रोग्रेस पर क्लिक करते हैं तीनों के एक एक बार में। फेल टू अपडेट असेसमेंट, ओके, फेल टू अपडेट असेसमेंट, ओके, दो के फेल्ड हुए हैं, एक का चेक माय प्रोग्रेस हुआ है, फेल्ड हुआ है मतलब ये चेक नहीं कर पा रहे अपने साइड से, कर लेंगे अभी, ठीक है। देखो एक का और हो गया, ठीक है, बस एक ही लास्ट वाला बचा है, इस पर भी क्लिक कर लेते हैं। अभी भी फेल टू अपडेट असेसमेंट है, इसको दो तीन बार क्लिक करते रहना है, थोड़ी देर में हो जाए, ठीक है। और ये हो गया, अब ये देखो जो अपने चारों टास्क हैं ये सबके पॉइंट्स मिल चुके हैं और इन लोगों ने अपनी तरफ से एनालाइज भी कर लिया कि हो गए हैं टास्क, ठीक है। तो यार ये लैब थी अपनी, कोई भी डाउट हो उनसे कमेंट करके पूछ लेना, ये गिटहब फाइल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और जैसे मैंने बताया वैसे ही करना। सॉरी थोड़ी डिले हो रही है यार लैब बनाने में, मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ ट्रस्ट मी, बट थोड़ी कंडीशंस हैं यार जो थोड़ी वर्स हैं, बट मैं ट्राई पूरा कर रहा हूँ, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं एज सून एज पॉसिबल लैब बनाता हूँ। यार अगर ये लैब करने में सक्सेसफुल रहना तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मुझे पता चल जाए कि कितने लोग ये लैब करने में सक्सेसफुल रहे और कितने लोगों में मैं वैल्यू एडिशन कर पाया, ठीक है।